खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह नज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। इस बीच कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने एक बड़ा बयान दिया। कनाडा को वैश्विक स्तर पर हो रहे नुकसान को लेकर बिल ब्लेयर ने भारत के साथ कनाडा के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिल ब्लेयर ने कहा कि कानून की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, अपने नागरिकों की रक्षा करना, साथ ही ये सुनिश्चित करना कि हम पूरी जांच कर सकें और सच्चाई तक पहुंच सकें। अगर आरोप सच साबित होता है तो कनाडाई धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या से हमारी संप्रभुता का उल्लंघन साबित होगा, जो कनाडा के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। वहीं कनाडा के नेता प्रतिपक्ष प्लेयर पोयल लिवरे ने एक बार फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रूडो खालिस्तानी मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं ताकि देश में बढ़ती महंगाई से ध्यान हटाया जा सके। Joke that has given us the worst inflation in 40 years, doubled the national debt, doubled the rent, doubled mortgage payments, doubled the needed down payment for Canadians to get into a home, made it so that a Torontonian has to save 25 years for a down payment where they used to be able to pay off a mortgage in that time. Will they reverse their disastrous inflationary policies so that Canadians can finally eat? उधर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चरमपंथियों की तरफ से जारी की गई धमकियों के बाद हिंदू कनाडाई भयभीत थे। बता दें, खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह नज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मंडने के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव अपने चरम पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कहा था कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह नज्जर की हत्या में भारत के एजेंट का हाथ हो सकता है। इन आरोपों का भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की। वहीं भारतीय जांच एजेंसी NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ में संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। Share your views in the comment section and please subscribe to India News TV for more such updates.